हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको क्षितिज पॉलीलाइन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं क्षितिज पॉलीलाइन काम क्या करता है। तो ये मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टिक शीट, लैमिनेशन शीट, फोल्डर्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कार्ड एंड फाइल्स। मतलब एक तरह से जो स्टेशनरी की चीज़ें होती है, एकदम आप पेन पेंसिल वो सब मत ले लीजिए, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट शीट होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट कार्ड होता है, और उसके बाद जो फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप पेपर्स वगैरह रखते हो, तो वो सब बनाता है ये कंपनी। और अभी साथ ही में इसने फेस मास्क जो कोविड से बचने के काम आता है वो भी इसने बनाना स्टार्ट किया है। कंपनी डेटा की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 42.30 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 23.94 है, और कंपनी का पी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि पिछले चार क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर में अगर कंपनी लॉस में होती है तो कंपनी का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखो तो ये ठीक है, एक तरीके से इतनी अच्छी भी नहीं है, 2.35। और कंपनी का जो डिलीवरेबल परसेंटेज है वो 55.56%। मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है, और इसका बीटा है -0.56। मतलब कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है। जैसे कि एक होता है कि अगर और 0.56 होता, मतलब कि मार्केट अगर 1% चढ़ता है तो ये 0.56 के बीटा से चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट के हिसाब से नहीं चलता, ये अपने मन के हिसाब से, या इसमें कोई न्यूज़ आती है या ऐसे ही ये कभी भी चढ़ जाता है या नीचे आ जाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते तो जैसे कि आप रेवेन्यू देखोगे तो वो 27.43 करोड़ का, मतलब 27.43 करोड़ का था, तब इसको 1.05 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और भी इंक्रीज़ हुआ 36.25 करोड़, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर के हुआ 85 लाख। 2020 में कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, 31.83 करोड़, और जहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी 53 लाख। और 2021 में कंपनी ने 24.26 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 24.26 करोड़, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। अगर आप 2014 के ईयर से भी कंपेयर करते हो तब भी कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ अर्न किए थे, लेकिन आज के दिन में आज इसने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ अर्न किए एज अ प्रॉफिट, जो अच्छी बात नहीं है और फाइनेंशियली इस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते तो यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक है। प्रमोटर के पास 66.68% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 33.32% का स्टेक। यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, LIC, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ने इस शेयर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मार्च में यहाँ पर कंपनी के पास 15 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 8 करोड़ का सेल्स था, देन मार्च में फिर से इनके पास 15 करोड़ का सेल्स था, जहाँ पर पिछले मार्च में कंपनी ने नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी ने किया एज ए नेट प्रॉफिट। सितंबर में कंपनी नेट लॉस में थी -1 करोड़ के, या -1 लाख, और मार्च 2021 में कंपनी 1 लाख के प्रॉफिट में थी। तो ओवरऑल कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपनी के अच्छे नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छे नहीं है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं, अब रिटर्न रेशोज़ भी कंपनी के डिक्रीजिंग में ही होंगे क्योंकि यहाँ पर मार्च 2019 में 4.91% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी था। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो इक्विटी, उस पर कंपनी कैसे यूज़ करके, उस इक्विटी को कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती और रिटर्न देती, जो 4.91% था, और मार्च 2021 में वो ज़ीरो हो चुका है। मतलब कंपनी ने कोई रिटर्न दिया ही नहीं है इक्विटी पे, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स है, जो
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी की सेल्स है, वो दोनों गिरती हुई नज़र आई है और कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है। ROCE की बात करें जो 17.72% था इन मार्च 2019 विच डिक्रीजेस टू 8.12% इन मार्च 2021। तो यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल है उसमें कंपनी थोड़ा बहुत वर्क कर रही है और 8.12% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो उस पर भी नो रिटर्न है, 2.40 से 0.0 पे आ गया है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज भी अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की, तो यहाँ पर मार्च 2019 में 0.64 का डेट था, वो इंक्रीज हो गया 0.75 पे हो गया है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.74 से 1.08 हो गया है। अब यहाँ पर कंपनी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से भी नीचे जाता है तो इट मींस कि कंपनी इतना भी नहीं कमा पा रही है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली जो एक होता है वो कंपनी में स्ट्रॉन्गनेस नहीं है और कंपनी अच्छी नहीं है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5-ईयर हाई अगर आप देखें तो 39.80 है और करंटली ये 42 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 5.53% ऊपर था, 2.20 रुपीज़ ऊपर है ये आज। और कल भी इसमें मंडे को भी इसमें सर्किट लगा था क्योंकि अपने 5-ईयर के आसपास ही था। तो अब ये जो रैली है, ये जो ऊपर जाने की जो रैली है, ये जा भी सकती है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिनको उन शेयर में इन्वेस्ट करना है जो देखकर फंडामेंटल्स देखकर कंपनी में निवेश करते, तो मैं उनको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये शेयर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपको एक जैसे कि टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो उस शेयर में, वो शेयर भी लॉस में था, लेकिन उस कंपनी जो नई नई वो चीज़ें लेकर आती है तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया और लोगों ने उस पर निवेश किया कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन इस शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। अब मैं, अगर आपको इस शेयर में निवेश करना हो या आपको लग रहा है कि आप रिस्क लेके इसमें 1,000 या 2,000 रुपये डाल सकते, तो भी आप इसमें थोड़ा डाउनफॉल दिखे, 35 या 30 रुपीज़ तक अगर आपको ये मिले तो ही आप इसमें निवेश करिएगा और बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।